स्थापित जेके फैक्ट्री में एम्प्लॉयज यूनियन इंस्टा के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रतिनिधि को मान्यता देने के लिए फिर बवाल मचाया और जेके फैक्ट्री के पुनर्गठन समिति को अपने संगठन इंस्टा की मांगे पूरी करने का मांग रखी। मांग पूरी न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। तो केस के साथ संबंधित प्रदीप सोलंकी की 7 बजे करीबन भारतीय मजदूर संघ का वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमेशा जनरल सीट में जाता है, वो अपनी सीट में जा रहा था, तो जो उपसभापति जी और इंटर के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने और 10-15 लोगों ने मिलकर साथ में, जिसमें सालू सिंह और रतन गायरी ऐसे 2-4 नाम मुझे जानकारी है, बाकी अन्य जो तस्वीर गवाह था उसने सारे बताए और वो उसके FIR भी हमने अभी किए और हमने हमारा पुलिस प्रशासन से उनसे ये मांग है कि गुंडा तत्वों को अभी भी उनको 2 बजे उनकी मीटिंग में कोई गुना स्वीकृति न तो JK Tyre की स्वीकृति है, क्योंकि मैं साहब कलेक्टर साहब को लिखित में दिया कि भाई हमारे प्रीमियर्स में कोई मीटिंग नहीं करे, हमारे प्रीमियर्स को छोड़कर 500 मीटर दूर अगर कोई मीटिंग करना तो करें, और वो आए दिन अशांति कर रहे हैं शिफ्टों के अंदर, जबकि सुबह 6 बजे कोई लेना देना नहीं, 2 बजे मीटिंग है, जबकि वो 6 बजे से वहाँ लोगों को परेशान कर रहे हैं, अंदर जाने से रोक रहे हैं, और उसके साथ जो प्राण घातक हमला किया उसमें उसको बहुत सी चोटें आई है और सिर में और यहाँ कान के पास बहुत गंभीर चोट है, उसको अभी उदयपुर रेफर किया गया है, और इस इंटेक यूनियन के काले कारनामे जो रहे हैं पुराने वो सारे ऐसे इतिहास रहे, इन्होंने एसिड कांड किया, इन्होंने चाकू कांड किया, इन्होंने पहले भी मर्डर किया, अभी इसी तारीख को 22 नवंबर को गत वर्ष माननीय सोभावत जी का जो था वो भी इन्होंने किया और राज की वजह से ये उस केस में भी बच गए, और इसी राज का दबाव जो है ये लोग यहाँ आम मजदूर पर डालना चाहते हैं कि मजदूर अपने आप को बहुत स्वतंत्र समझ रहा है और बहुत मस्ती से अपनी नौकरी कर रहा है, उसमें उसको कोई योगदान नहीं, वो यूनियन के साथ है, बहुमत यूनियन के साथ है, फिर भी सरकार का और प्रशासन का सहारा लेकर ये मात्र चंद इंटक के गुंडे स्वार्थी तत्व जो है यह राजसमंद में अशांति फैलाना चाहते हैं। अब ये जो स्टेप उन्होंने ली है उसका दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि अविलंब उन गुंडों को गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा यहाँ जन आंदोलन किया जाएगा और जो भी स्थिति बनेगी उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होगी और JK मैनेजमेंट की होगी। बाजी कर रहे हैं और इनका हमेशा डरा हुआ हर एक मजदूर की बलि चढ़ाना इनका दायित्व है, सत्ता में कैसा आ जाए तो इनको ये लगता है कि हम बलि देंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन की घटना सुबह कुछ हुई थी क्या? आज कह रहा ना मेरे ऊपर वार किया ना चतुर्ग, मेरे खुद के ऊपर वार किया इन्होंने, गाली के लिए देखा हुआ एक रत्नेश नाम का आदमी है, सूचना दी है थाने में, थाने के अधिकारी सब थे यहाँ पर मौके पे, और वो हमेशा इनका तरीका रहा है सत्ता में आने के लिए अपने मजदूर भाइयों के साथ घटना करते हैं, खुद ही हाथों से चक्कू लगाते हैं और खुद घायल होते हैं और इसको अंजाम देते हैं दूसरे मजदूर साथियों के नाम पर, दूसरे संगठन के नाम पर, हमेशा इनका ये रिवाज रहा है। तो मेरे तो ये कहना मजदूर भाइयों से, हमें लड़ाई मजदूर भाइयों से नहीं है, हमारी लड़ाई मैनेजमेंट से है, क्योंकि हम चाहते हैं आज इंटर यूनियन पावर में आ चुकी है, आज कम से कम 750 फार्म हमारे सदस्यता के भर चुके हैं और चंदा कैंसिल 650 चंदा कैंसिल हो चुका है आज की तारीख में, तो हम बहुमत में आ गए हैं, जो वर्तमान यूनियन है वो अल्पमत में आ चुकी है, हम प्रबंधक महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि हमें हमारी सदस्यता फार्म ले और हमें मान्यता दे, हमारी यही मांग है। 6 महीने हमसे संघर्ष करते हुए हो गया है, जो दिनेश की अभी सत्ता है अंदर उन्होंने मजदूर के साथ कुटार घात किया है, इसी आधार पर आज हमारे सुनील जी के नेतृत्व में इंटक यूनियन JK ने पूरा प्रदर्शन किया, उन्हें बहुमत के लिए साबित किया कि हमारा बहुमत हमारे साथ है, व्यवस्था हमारे साथ है, पूर्व में भी जिस प्रकार से हमने इस फैक्ट्री का हित किया, इस शहर के हित के लिए काम किया, मजदूर हित में काम किया इंटक ने, इसी आधार पर आज हम सभी इकट्ठे हुए और सभी कांग्रेस जन और हमारे कांग्रेस के जिला पदाधिकारी केंद्र के और हमारे PCC से बात हुई, उनका धन्यवाद भी आप संघर्ष करो, आपके साथ हमने और मान्यता आपको दिलाकर रहेंगे और हम निश्चित रूप से मान्यता मिलेगी, ये मुझे और शांति बनी इनसे अन्य भी हम शांतिपूर्ण ढंग से कृषि आंदोलन करेंगे, व्यवस्था करेंगे, यदि प्रशासन अड़ा रहा अगर
जगह प्रशासन अपने मैनेजमेंट नहीं माना, हमें मजबूरन होकर कल गेट बंद करने